ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ। किसी सेट ए में अगर एन एलिमेंट्स हैं, श्योर, हाँ सर, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए इज़ एन, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? सर 2n, 2 की पावर n। टू के पावर n, सॉरी प्रॉपर सबसेट्स कितने निकलेंगे? आपका सबसे 2 raised to the power n-1। और इक्वल सबसेट कितने पीस इक्वल निकलेंगे? एक, एक पीस। दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है 2 की पावर n। क्लियर? हाँ सर। ओके, यहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक लिखी है। 2 की पावर n-1 पावर में नहीं है बेटा, ऐसा लिखना आपको, 2 टू द पावर n में से एक कम है ना। हाँ सर, हाँ, तो इसको सही करके लिख लें, 2 की पावर n, और नीचे आएगा बेटा एक कम। हाँ सर, क्लियर? हाँ सर, और दूसरा इक्वल सबसेट बनेंगे 1। क्लियर? यस सर, नाउ पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ए, एंड व्हाट इज पावर सेट? द सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सेट्स। ओके, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। क्लियर? हाँ सर, तो पावर सेट में भी 2 टू द पावर n सबसेट्स होते हैं, जिसमें एक होता है इक्वल सबसेट और 2 टू द पावर n-1 जो होते हैं वो प्रॉपर होते हैं एलिमेंट। यस और नो? हाँ, तो ये होते हैं प्रॉपर सबसेट्स और एक होता है इक्वल। क्लियर कि नॉट क्लियर? इसकी थ्योरी एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गया सर। हाँ चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो बताया था मैंने ये टोटल होते हैं 2 की पावर n, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। कितने थ्री हैं? और थ्री। तीन है। हाँ तो 2 टू द पावर 3-1 बनेगा इसका आंसर, बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा सर, हाँ, क्या बनेगा? 2 की पावर 3-1। थ्री माइनस वन। अच्छा, ओके, प्रॉपर सबसेट बोल रहे हैं हाँ प्रॉपर सर। बोला है अगर ना। नंबर ऑफ सबसेट्स बोलते तो 8 होता। हाँ, तो 8 होता, तो 8 होता, बट यहाँ पे प्रॉपर बोला है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 2 टू द पावर 3-1, दैट इज इक्वल्स टू 8-1 = 7। इक्वल टू 7। समझ में आया? हाँ सर, नोट कर लीजिए। सो प्रॉपर सबसेट्स 2 टू द पावर n-1, तो यहाँ पे n 3 है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं कि आप जो कह रहे थे कि सर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे काउंट होते हैं, ठीक ना? सो सबसे पहले रिलेशन के बारे में बताऊंगा। इफ़ यू हैव टू सेट्स, फर्स्ट सेट इज़ ए, डन, पहला सेट ए है और दूसरा सेट आपके पास बी है। ओके, सेकेंड सेट इज़ बी। सो एक रिलेशन यदि मैं डिफाइन करूं तो आर इज़ व्हाट? आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सर मेरा नेट हो गया था क्या? आपका क्या नहीं, किसी का नहीं। कट गया था मेरा? हाँ, क्लियर है? अभी रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे बेटा? सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? ए क्रॉस बी। क्लियर? ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, सो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है? और ये जो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रिलेशन। क्लियर? समझ में नहीं आ रहा क्या? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, लाउड तेज बोलिए। हाँ देखिए, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एम है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी एन है, तो श्योर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने बनेंगे? एम एन। बिल्कुल सही, और यू कैन राइट दैट एम इन टू एन। ठीक है, आप ज़्यादा दूर रह के बात मत करिए ना, माइक को पास में रखिए, मुझे नहीं मिलती आपकी वॉइस। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे? एम इन टू एन। क्लियर? एम इन टू एन।
तो अब इसके जो सबसेट होंगे वही रिलेशन होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन जाएंगे, 2 की पावर mn2n। नोट कर लीजिए, ये आपने गलत किया था, याद करिए, है ना, टू टी द पावर एम इंटू एन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। इसको 2 की पावर mn भी लिखते हैं। डन। तो पहले आपके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यदि मैं शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को करना चाहूँ, तो यहाँ पे लिखा है मेरे पास द वैल्यू ऑफ साइन 45 + थीटा माइनस कॉस -cos 45 - थीटा। ठीक है शौर बाबू, तो मैं एक अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि सारे आंसर थीटा के टर्म्स में हैं, तो मैं एक अटेम्प्ट करता हूँ कि मैं थीटा इक्वल टू 15 डिग्री लेके देख लेता हूँ कि आंसर कितना आ रहा है। थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, क्लियर श्योर? तो थीटा इक्वल टू 15 डिग्री पर साइन 45 + 15 माइनस कॉस 45 - 15। ठीक है भैया, साइन 45 + 15 यानी कि साइन 60 और माइनस कॉस 30। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, आंसर हो गया 0। अब आइए ऑप्शन से चेक करते हैं 15 डिग्री के लिए। तो ए ऑप्शन है 2 cos थीटा की जगह 15 डिग्री, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बी 2 sin 15 डिग्री, ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सी इक्वल टू 1 दिया है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, और डी डायरेक्टली 0 दिया है, मतलब हमारा आंसर होगा डी। अब बताइए क्या एक नंबर के लिए सफिशिएंट नहीं है? श्योर? मैंने थीटा इक्वल टू 15 डिग्री के लिए अटेम्प्ट किया है यहाँ पे क्वेश्चन। मैंने कहा क्यों ना थीटा इक्वल टू 15 पे चेक किया जाए। सब ये हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है मतलब मतलब हम थीटा को ये कुछ नहीं सकते। बोलिए पूरा सेंटेंस क्या कह रहे थे आप? समझ गया सर, समझ गया। आप थीटा 10 लेकर के कर रहे हैं, तो मैं आपको वो भी चेक करा दूं, वो आपका गलत है स्टेटमेंट। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ सर। हेलो, तो थीटा इक्वल टू 10 कहीं से कहीं लॉजिकली है ही नहीं ना, उस पर आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। भाई थीटा की वो वैल्यू प्रोड्यूस करो जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती हो, और वो थीटा 15 डिग्री सपोर्ट कर रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। एक मेथड तो ये हो गया। डन कि नॉट डन? हाँ सर। हाँ, दूसरा मेथड इसका जो है आप ओपन कर दें इसको, तो पूरा ओपन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इसका पूरा। चलिए दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। देख लें क्या लिखा हुआ है। साइन 45 + थीटा माइनस कॉस 45 - थीटा। ठीक है, हाँ सर। आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पे। पहली आइडेंटिटी लगेगी
साइन ए प्लस बी की क्या होती है बेटा? साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बोलिए। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी तो साइन ए प्लस साइन बी, या फिर साइन ए प्लस बी, साइन ए सॉरी प्लस बी की आइडेंटिटी प्लीज क्लियर कट हाँ बोलिए बोलो, बेटा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बिल्कुल सही, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को यदि मैं ब्रेक करूँ तो ये मेरे पास ब्रेक हो जाएगा साइन 45 कॉस थीटा सर प्लस सर कॉस 45 साइन थीटा। बोलो बेटा। सर हम आइडेंटिटी से आइडेंटिटी लगा सकते हैं, मतलब ये जैसे साइन एक्स प्लस वाई है, अगर साइन एक्स प्लस वाई साइन कहाँ पे नहीं बेटा, मतलब सर कहाँ पे सॉरी होल लगाओगे? ब्रैकेट इनटू, अरे नहीं नहीं सर पूछ रहा, फॉर्मूला अभी जैसे पूछा ना आपने साइन ए प्लस साइन बी, आई मीन सॉरी साइन ए प्लस बी पूछा आपने, अच्छा, तो नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ तो तुम ये कह रहे हो कि सर साइन एक्स प्लस वाई को क्या हम नहीं नहीं साइन नहीं एक्स प्लस साइन वाई वो लिख नहीं पूछ सकते रहा हैं, मैं क्या ये आप ये बोल रहा जानना हूँ, चाह रहे हो? फिर उसके बाद वो उसका फॉर्मूला लगाने के लिए, मतलब वो टू साइन एक्स प्लस वाई जो होता था, मैं क्वेश्चन नहीं समझ में, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं कुछ नहीं छोड़ छोड़ो सर गलत ही है, इतना पता चल गया सर। भाई सिंपल सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे यही आइडेंटिटी सपोर्ट कर रही है साइन ए प्लस बी, क्लियर कि नॉट क्लियर? मैं कुछ और ही पूछ रहा था सर, इसके बारे में नहीं पूछा। हाँ सर तो ये हो गया साइन का, ठीक है, हाँ सर ब्रैकेट क्लोज। माइनस कॉस ए माइनस बी, जानते हैं आइडेंटिटी कॉस ए माइनस बी की? कॉस ए माइनस बी, एक सेकंड किसकी है सर, कॉस ए माइनस, हाँ सर उसका तो बताइए। उल्टा हो जाएगा ना, कॉस ए माइनस बी, कॉट कॉट का पता है, कॉस का होता है शायद, उसमें प्लस में होता होगा ना, हाँ सर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बिल्कुल सही, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यदि यहाँ पे इस आइडेंटिटी को मैं पुट कर दूँ तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कैसे हो जाएगा? देखिए कॉस 45 कॉस थीटा प्लस साइन 45 साइन थीटा, ठीक है बेटा? हाँ सर कॉस 45 कॉस थीटा प्लस साइन 45 साइन थीटा। चलिए अब इसको ब्रेक करता हूँ मैं, तो साइन 45 होता है 1/√2 कॉस थीटा, प्लस कॉस 45 होता है 1/√2 साइन थीटा, हाँ सर ठीक है, हाँ सर माइनस कॉस 45 कॉस थीटा यानी कि 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा, इज दैट क्लियर? सर चलिए माइनस साइन का ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 1/√2 कॉस थीटा यस सर प्लस 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा, और माइनस से अटैक करेगा तो ऑलरेडी वंस अगेन 1/√2 साइन थीटा, ठीक है? हाँ सर ये देखिए इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 0, क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर अब श्योर बताइए इन दो फॉर्मूले के अलावा कहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता इनके अलावा और कोई वही फॉर्मूला तो है। प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, कहाँ पे क्या कुछ लगता है, क्लियर दिख रहा है कि साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ब्रेक होना है। अब आप जो लगाना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से वो आप लगाना चाह रहे हैं साइन सी माइनस साइन डी। ये साइन ए लगाना चाह माइनस रहे हैं, साइन बी का
अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, मुझे वही सही लगा, मुझे नहीं पता था आप थीटा को मैं कन्वर्ट कर क्या आप सकता हूँ। क्वेश्चन को देखें, ये वाला टर्म तो साइन है, ये वाला टर्म कॉस, ये तो कॉस है ना, बताइए भाई, दूसरा टर्म कॉस है ना, हाँ कहाँ सर, है साइन जिसमें फार्मूला लगा लेंगे आप? अगर साइन होता तो एक बार लगा सर को भाई। चेंज नहीं कर सकते कॉस 45, अगर वो चेंज नहीं होता तो आपने क्वाड्रेंट का जो बताया था। कॉस को किस में चेंज करने को बोल रहे हो? साइन तो कॉस को ना साइन 90 माइनस थीटा में चेंज कर दो, उससे भी हो जाएगा, फिर आप लगा सकते हो जो आप चाह रहे हो। अच्छा सर, समझे आप कि नहीं समझे? यस सर, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या डाउट है? मैंने आपको दो मेथड से बता दिया कि या तो आप चाहें तो आप वैल्यू पुट कर लें, ठीक है भाई, या तो आप वैल्यू पुट कर लो डायरेक्टली थीटा की 15 डिग्री, उससे भी आ सकता है, और या तो ओपन कर लो। तीसरा मेथड आपका हो सकता है कि आप इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट करके फिर साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, बोलो यस और नो। चौथा मेथड एक और है कि जो साइन 45 प्लस थीटा है उसको कॉस में कन्वर्ट करके फिर लगा दो, कॉस सी माइनस कॉस डी, हाँ सर, बताओ आप, कोई दिक्कत? नहीं सर, हाँ, नहीं सर, कन्वर्ट करके बताऊं क्या? नहीं सर, दो और तरीके, नहीं सर, नहीं सर, जोर से बोलो बेटा, सुनाई नहीं दे रहा। नहीं सर, चलिए आगे चलें। एक सेकंड सर। क्या कर रहे हो, लिख रहे हो? हाँ नोट करो, दोनों नोट कर सकते हो। ये ट्रिक मेथड है, ये ट्रिक है कि आपने अपना काम निकालने के लिए ट्रिक यूज़ कर लिया। डन, लिख रहा हूँ सर। चलिए अगले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 7 बन गया, क्या है आंसर? डी है, थर्ड 7th का आंसर डी, वेरी गुड। क्वाड्रेंट में सर सेक की वैल्यू माइनस में होती है ऑफ कॉस, तो सी ऑप्शन का तो पहले ही कोई चांस नहीं है। कॉटेक्स को हम माइनस कॉट कॉसेक के साथ किया, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो उससे हम कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे, कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करेंगे, फिर नहीं, कॉसेक को माइनस कर देते सर, सॉरी मैंने वो किया, कॉसेक कॉसेक, माइनस सेक्स का आपको वैल्यू सेक की कॉसेक चाहिए है आई तो सॉरी फिर सॉरी कॉसेक से सेक नहीं लाएंगे, सॉरी कैसे सॉरी सॉरी लाएंगे? सर कॉस नहीं नहीं सर सॉरी 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 उसको सर साइन में किया, ठीक है, साइन में साइन प्लस कॉसेक कॉसेक्स इज इक्वल टू 1 होता है, नहीं कॉसेक प्लस साइन इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो उससे फिर कॉस निकालेंगे फिर हाँ सेक उससे कॉसेक निकालेंगे, की, और उसको हाँ उसको वो कर देंगे ना, ये चेंज कर देंगे तो सेक की वैल्यू आती है, अच्छा। इस अपोजिट सब होती है। मेहनत से एक छोटा तरीका ये है कि क्या कॉटेक्स करना आपको सर? 4/3 हाँ दिया है वो और थर्ड वापस बता क्वाड्रेंट दो, में दिया है, वो एक आप तो फॉर्मूला बता देना सर, नहीं वो नहीं कौन सा फॉर्मूला वो कुछ नहीं, क्वाड्रेंट होता सीधे है। ट्रायंगल बनाइए ना, हाँ हाँ कॉटेक्स सर वही आपको बता रहा फोर हूँ, बाई अब थ्री दिया है मुझे और याद नहीं थर्ड है। क्वाड्रेंट में दिया है। देखिए आपको जो है कॉट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4/3, हाँ सर, हाँ सर, क्लियर, और यस जो सर, एंगल है आपका वो है थर्ड क्वाड्रेंट में, है कि नहीं है? ठीक है भाई, फोर क्वाड्रेंट में है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में है, और कॉट एक्स है मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यस और नो? हाँ, परपेंडिकुलर मतलब बेस है -4 और परपेंडिकुलर है -3, क्लियर, हाँ सर, तो हाइपोटेनस 5 आ जाएगा कि नहीं आएगा?
एक सेकंड सर, पाइथागोरस थ्योरम बेस से। माइनस फोर वो माइनस थ्री सर, माइनस थ्री ही होगा हाँ दोनों। अच्छा निगेटिव है ना बेटा, नीचे की तरफ है, तभी तो -4 -3 कट गए होंगे, ठीक, फाइव। तो फोर बाई तो माइनस 4/3 बच गया होगा। क्लियर? और मैं हाँ। कहता हूँ चलो आप कुछ भी ना लो, आप अगर सीधे 4/3 ही मान के देख रहे हो जो आपको अच्छा लगता है, आप 4/3 ही ले रहे हो, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 निकालोगे कि नहीं निकालोगे? हाँ सर, और फिर आपको निकालना है क्या, सेक एक्स, अरे हाँ सर, सेक निकालना है कि कोसेक निकालना है? सेक सर कॉस निकालना है, सेक निकालना, सेक निकालना, सेक सेक निकालना। निकालना है। तो सेक ऑफ एंगल एक्स इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाँ हाइपोटेनस और अपॉन भैया ये बेस, नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, बोलिए हाँ है ना? हाँ। तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस ले पांच, लो 5 और बेस आपका हो बेस गया चार, 4 और माइनस माइनस लगा बहुत दो, ही सही है। तो -5/4। सर मान के चलिए दूसरे क्वाड्रेंट होता सर, तो उनमें कैसे, लाइक हम सोचते कैसे ये क्वाड्रेंट, मतलब किस साइड पे हाइपोटेन भाई आपको क्वेश्चन ने खुद ने बोला ना कि थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट में है, ये सेकंड में है, और एंगल ये वाला थर्ड में चला गया, क्वेश्चन ने बोल तो रहा आपको नहीं, अगर मान के चलो सर थर्ड क्वाड्रेंट में होता, नहीं सेकंड 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 सॉरी सेकंड सेकंड में क्वाड्रेंट में होता, और कुछ होता। कुछ 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 वैल्यू होती है जो माइनस में आती है हमेशा, लेकिन हम इससे निकालेंगे तो उसमें वो माइनस हमें बाद में डालना पड़ेगा, बाद में डालना क्योंकि पड़ेगा, बिल्कुल आंसर सही बात है, बाद में डाल दीजिए। जो भी निकलेगा वो तो पॉजिटिव में निकलेगा, हाँ जो लेकिन भी जब हमें निकलेगा पता चलेगा पॉजिटिव कि में कौन सा निकलेगा उसका वैल्यू बाद में आपने डाल दीजिए अकॉर्डिंग टू आगे, और क्वाड्रेंट। स्कूल। हाँ, ओके ठीक सर, है, ठीक सर, ठीक है। एक सेकंड इसका मैं नोट। हाँ सर इम्पोर्टेंट है, ये बोलता हूँ मैं, ये इजी लगा। हाँ सर, इसे बहुत छोटा पड़ता है। और मैं तो आपको यही मेथड बताऊं जब से, सब भूल जाता हूँ ना, वो तो मुझे भी पता है सर। सॉल्व इतना बड़ा किया है इसको फालतू का। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बोले क्या आया? 8th का 25 है, लेकिन एक चीज पूछनी है मुझे, 25 मैंने लिखा, मैंने तो कुछ और लिखा, लेकिन मेरे को पूछना है सर। बोलिए बेटा, 8 का सर ट्वेंटी इसका अगर फाइव आंसर, आपका हो, सर बिल्कुल मैं पूछ रहा हूँ, मॉड्यूलस गलत आ मैं रहा पूछ रहा मुझे हूँ बेटा। भाई, नहीं नहीं सर, हाँ अगर इसका तो पहले वो करेंगे ना, नहीं ए नहीं प्लस बी गलत का नहीं आ होल रहा। हाँ स्क्वायर, ठीक है, ठीक सही आ रहा है, ए प्लस बी का होल बताइए। स्क्वायर करेंगे ना हम। दोनों तरीके से कर सकते हैं बेटा, सीधे आपको नहीं सर, एक्चुअली हाँ मॉड्यूलस लेकिन निकालना ये है। आंसर 25 नहीं आएगा ना सर, नहीं कैसे भी करेंगे 25 ही आएगा आंसर मेरे सर को। 13 + 8i बन रहा है, उसका अगर हम मॉड्यूलस निकालते तो 13 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर होता है वही ना। नहीं, आप गलत कर रहे हैं बेटा, ओके, कुछ कैसे हो सर, गड़बड़ लग रही है मेरे को। 13 + 8i, क्यों, क्योंकि मेरे को 25 एक मिनट क्लोजेस्ट एक लगा मिनट एक इसलिए मिनट, मैंने किया। 13 का 169 और 64 जरा ऐड हाँ करके वो देख लो, सर, तो 169 64 क्या 625 तो होता नहीं है। वही तो ना चलिए सर, देख लीजिए, मैं दोनों से बता देता हूँ, क्लोजेस्ट में आ रहा है ना, तभी तो मैंने 25 मारा। देख लेते हैं, देख लेते हैं दोनों मेथड, इसकी दोनों हाँ सर, मेथड मैं आपको बता देता हूँ। 4+3i का यस, होल स्क्वायर है क्वेश्चन आपके पास में, ठीक है? तो हाँ, आपके पास में है क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू 4+3i का होल स्क्वायर। क्लियर? हाँ सर, और आपको इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 4+3i फोर का प्लस थ्री का होल स्क्वायर। आयोटा का क्लियर? स्क्वायर। रूल कहता है कि आप किसी भी जेड की पावर एन को मॉड जेड की पावर एन लिख सकते हैं, मतलब अंडर रूट ऑफ 4+3i का होल स्क्वायर लिख सकते हो, पावर बाहर चली जाएगी। ठीक सर, और भैया इसको सॉल्व कर दो, तो होल स्क्वायर तो बाहर लगेगा क्योंकि मॉडुलस तो रूट के अंदर आएगा, 4 का स्क्वायर हाँ, अंडर रूट a² + b² +3। है। क्लियर? अच्छा सर, स्क्वायर है, ये वेट क्यूब हो गया ये, स्क्वायर है, मिस प्रिंट हो गया था। अब वही। ठीक अच्छा है, ठीक, हाँ तो सर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 का सर होल कंफ्यूज स्क्वायर। हो गया सर, नहीं समझ आया मुझे भाई आपके पास जो सर मॉड। मॉड ऑफ a+iB होता है वो अंडर रूट हाँ a² + b² होता है ना, तो हाँ a की हाँ जगह यहाँ पे 4 है, a की जगह कौन है, अच्छा सर, 4 है ना,
फोर है, फोर है, अब बी हाँ की जगह पे थ्री है। सर। इसके दो मेथड हो सकते हैं ना फिर तो। हाँ श्योर, दो मेथड होते हैं तो मैं पहले आपको सरल मेथड बता रहा हूँ ना, ये फर्स्ट ठीक। मेथड चल रहा है ना। सर मेरे को ये इसमें प्रॉब्लम होती है सर, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड का इसे मैं लास्ट मतलब में करता हूँ क्योंकि मैं, अंडर रूट हाँ रियल सर, पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, बस इतना ही है। तो सर तो अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर तो कितना हट है, ही जाएगा ना क्या बोले? सर, अंडर रूट फिर स्क्वायर। अंडर रूट लगा करके रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये देखिए लिखा हुआ है, हाँ तो वो दोनों तो साथ में अंदर आ जाएंगे ना। ये लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, देखिए यहाँ पे। हाँ सर, हाँ सर, तो ए यहाँ पे 4 है, बी यहाँ पे 3 है, तो अंडर रूट 4 का समझा स्क्वायर सर, प्लस 3 का स्क्वायर, समझा सर, समझा समझा, क्लियर हुआ? हाँ सर, तो भैया 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9, सो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर, क्लियर? यस सर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर इज 25। 25, डन, हाँ सर, एनी प्रॉब्लम? नो सर, चलिए, कोई दिक्कत? नहीं सर, अब नहीं सर, यदि आप इसको उससे कर रहे हैं होल स्क्वायर करके, तो भी देख लीजिए वो हाँ सर, मेथड। तो आपके पास जेड है, फोर प्लस थ्री आयोटा का होल स्क्वायर। तो देखिए एक मेथड ये भी है, अगर आप इसको डायरेक्टली आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए स्क्वायर करते हैं तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, सर, ठीक है? हाँ सर, कोई दिक्कत बेटा, नहीं सर, बैठो, बन जाएगा। हाँ सर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो इसका आंसर कितना होगा? 25। आपका कितना आया? हाँ सर, मेरा भी 25, तुक्का। नहीं क्योंकि मेरे को क्लोजेस्ट लगा, ओह, वही तुक्का ही हुआ ना। हाँ वो ठीक, तो खाई होगा फिर, हाँ चलिए। द क्लोजेस्ट में लगा थर्ड सर। टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4, देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, बना कि नहीं बना? नहीं, सो इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ मेरे को पता नहीं है लेकिन सर, इसका उसी फॉर्म में होगा क्या, ए जैसे थर्ड टर्म इज इक्वल टू ए आर टू बेटा इज इक्वल कोई टू भी फोर, क्वेश्चन होगा उसी ही फॉर्म में होगा, और कोई उसके अलावा फॉर्म पॉसिबल नहीं है, तो ठीक यही होगा है? ना, ए आर बिल्कुल, टू इज इक्वल टू फोर, आप अगर पेन चलाते तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता, ठीक है? हाँ सर, तो देखिए थर्ड टर्म बोल रहा है, तो थर्ड टर्म जानते हैं आप क्या होता है, ए आर स्क्वायर, क्या होता है? हाँ सर, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। और थर्ड टर्म जो है जीपी का 4 दिया हुआ है, और आपको इसके प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं। चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हम निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन था जिसमें आपने बोला था कि एक टर्म कम हो जाती है, नहीं, एक टर्म कम नहीं होती है, उसका फॉर्मूला है, होता है कि अगर आप 3 टर्म लिखते हो तो ए हाँ आर की पावर 3 माइनस 1, ये बोला था मैंने, तो अच्छा nth सर, टर्म के लिए n-1। यस सर, फिलहाल इस यस, क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, देखिए हाँ सर, थर्ड टर्म समझा, 4 है तो ए 3 इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 3 टर्म है तो पावर 2 हो जाएगी, ये मैं कह रहा था, यस सर, समझ में आया? हाँ सर, हाँ, अगर आपसे कोई बोले कि ए 6, ये तो क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 5, क्योंकि 6 स्तंभ बोल रहा है तो आर की पावर 5 मिलेगी, क्लियर? हाँ सर, नोट कर लें। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। सबसे सर मैं बता देता हूँ, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग कोई डिजिट वन रिपीटेशन टू नहीं नाइन होगी, नाइन रिपीटेशन इंटू ऑफ द एट इंटू डिजिट सेवन इज इंटू अलाउड, सिक्स, मतलब रिपीटेशन है मतलब पहले में 9 डिजिट, फिर आठ, फिर दूसरे सात, फिर में छः, गलत, गलत बोल गए, गलत बोल गए, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ऐसे में हाँ ए होगा सर आंसर, आप कह रहे हैं ए 3024, हाँ और आपने कैसे करा है, नाइन इंटू नाइन एट इंटू इंटू सेवन इंटू एट सिक्स, इंटू सेवन इंटू सिक्स। सिक्स, अच्छा चलिए देख लेते हैं, पहले तो देखेंगे कि आंसर ए है कि नहीं है। 9th क्वेश्चन का आंसर कौन सा नहीं नहीं क्वेश्चन है, फोर्टीन है, फोर्टीन फोर्टीन, 14th क्वेश्चन का आंसर वही है, ए है। अब देखते हैं ए आ भी रहा कि नहीं आ रहा है। इफ रेपिटेशन ऑफ डिजिट 14 का इज आंसर ए है। देखिए क्या कह नॉट रहा है कि इफ नॉट अलाउड, रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, ओ हो, नॉट अलाउड है तब बिल्कुल सही है,
तो फर्स्ट में 9, सेकंड में, सेकंड में कितने? 8। सेकंड में 8 है सर, 8। फिर 7। थर्ड में कितने? 7। 7। और फोर्थ में? 6। 6, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से बना रहा हूँ श्योर, कि फोर डिजिट का नंबर है, ओके? अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन तो अलाउड है, और मैं आपको जो डिजिट दे रहा हूँ वो 0 to 9 दे रहा हूँ। कितने डिजिट दे रहा हूँ? 0 to 9। हाँ, 0 to 9 डिजिट दे रहा हूँ, और फोर नंबर, फोर डिजिट का आपको एक नंबर बनाना है। तो कितने वेज होंगे? दो केसेस हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। इतना पहले में रिपीटेशन नॉट अलाउड है, हाँ, और दूसरे में रिपीटेशन अलाउड है। पहले वाले में रिपीटेशन नहीं अलाउड है, हाँ, और दूसरे में अलाउड, दूसरे में रिपीटेशन अलाउड है सर। तो बाकी, हाँ, इस बार देखिए, इस बार देखिए डिजिट 0 to 9 है, ठीक है? हाँ, तो दो केस बनेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड और रिपीटेशन अलाउड। बताइए अलाउड के लिए कितने टोटल नंबर्स बनेंगे? पहला बताइए, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड कौन कौन सा था? फर्स्ट वाला सर, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर अलाउड ही नहीं है रिपीटेशन, चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखिए 0 to 9 है, मतलब टोटल 10 डिजिट है, बट पहले प्लेस में हम 0 नहीं भर सकते हैं, तो पहले प्लेस के लिए होंगे 9 कंटेनर्स। दूसरे प्लेस में हम 0 रख सकते हैं, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो फिर से 9 कंटेंडर आ जाएंगे, क्योंकि होने तो 8 थे बट एक 0 बढ़ गया भाई। 0 फर्स्ट प्लेस में नहीं आ सकता ना, सेकंड में तो आ सकता है ना। हाँ हाँ, वही सेकंड में आ सकता। तो टोटल होने थे 8 बट एक 0 आ गया तो 9 हो गए। अच्छा, तो वो डिजिट भी तो नहीं आ सकता। हाँ, इसमें फिर 8, इसमें फिर 7, तो करेक्ट आंसर होगा 9 × 9 × 8 × 7। समझ गया सर। अब चेकिए, देखिए रिपीटेशन अलाउड वाले केस में क्या होगा, बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं अब समझ गया पूरा।